आमे समस्ते जानिछु जे प्रकृति हेउछि स्वास्थ्यर ग्रंथाघर। प्रकृतिरे एपरि बहुत जिनिष मिले जहाकु आमे औषध भाबरे व्यवहार करिथाउ। एहा व्यतीत एपरि केतक प्राकृतिक वस्तु रहिछि जे स्वास्थ्य पै अत्यंत लाभदायक होइथाय। आज एगुडिक मध्यरु आमे एपरि एक गछ विषयरे कहिबु जहा विषयरे आपण आगरु केबे बि सुणि नथिबे। तेबे दर्शक बंधु आमे कहुचु सदाबिहारी पत्र विषयरे। एही गछरे एपरि केतक औषधीय गुण देखिबाकु मिले जहा अत्यंत लाभदायक होइथाय। शरीरर ब्लड सुगर नियंत्रण करिबा पई आयुर्वेद रे बहु प्राकृतिक उपचार रहिछि। डायबिटीज परि रोग को नियंत्रण रखिया पई आयुर्वेद रे सदाबिहारी पत्र खाइबाकु परामर्श दिया जायथाय। सदाबिहारी पत्र रक्त शर्करा को नियंत्रण करिथाय। तेबे रक्त रे शर्करा स्तर को नियंत्रण रखिया पई आपण सदाबिहारी फूल एवं पत्र खाई परिबे। एही पद्धति आपणक रक्त रे शर्करा स्तर को नियंत्रण रखिबारे सहायक हेबो। सदाबिहारी गच्छ भारतर सबु स्थानरे वर्षर सबु समयरे देखिबाकु मिलिथाय। एहाकु आपण बाड़ी बगीचारे मध्य पाई परिबे। आयुर्वेद अनुजाई एहार फूल एवं पत्र मधुमेह को नियंत्रण करिबारे मलेरिया गला दरज एवं ल्यूकेमिया भली रोगर चिकित्सा करिबारे खूब प्रभावशाली होइथाय। सदाबिहारी गच्छर फूल एवं पत्र रे अल्काइड्स नामक एक उपादान रहिथाय जहाँ अग्नाशयर बीटाकोष को सठिक परिमाण रे इन्सुलिन उत्पादन करने को सक्रिय करिथाय। इन्सुलिन ही ब्लड सुगर मात्रा को नियंत्रण करिथाय। तबे डायबिटीज रोगी किपर यह व्यवहार करिबे जानंतु। सदाबिहारी पत्र को सुखाई देबा परे एहा को गुंड करि एक डबारे रखंतु। एही गुंडरु प्रतिदिन एक चम्मच एवं एहार ताजा फूल रस को पानी सहित पियंतु। सदाबिहारी पत्र गुंडर स्वाद कसा होइथाय जहाँ डायबिटीज रोगी मानक उत्तम होइथाय। तीन किंबा चारोटी सदाबिहारी पत्र रु अधिक खांतु नाही। रक्त शर्करा को नियंत्रण करिवा पई एहा को दिन रे चोबाई खांतु। सदाबिहारी गछर गोलापी फूल को एक कप पानी रे फुटाई दियंतु। एही पानी को छाणी प्रतिदिन सकाळे खाली पेटरे पियंतु। एहार पत्र रे प्रस्तुत चा नियमित सकाळे पीबा द्वारा स्वास्थ्य को अनेक सुफल मिलिथाय। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज ओडिशा।